दोस्तों AEPS का जो बिजनेस है वह कोई सा भी व्यक्ति एक छोटी से अमाउंट में एक बैंकिंग एप्लीकेशन लेकर के स्टार्ट कर सकता है। बस उसको यहाँ पे एक बैंकिंग एप्लीकेशन की आवश्यकता होती है, उसके साथ में एक फिंगर डिवाइस की आवश्यकता होती है, जो कि मार्केट में अभी तक देखा जाए तो लगभग ये 2000 से 3000 या 4000 के आसपास में आसानी से अवेलेबल हो जाता था। लेकिन अभी भी देखा जाए तो ये आपका जो नई L1 डिवाइस आई हुई है ये भी दोस्तों लगभग 2500 से 4000 के बीच में मिल जा रही है, कोई सा भी आप लेना चाहेंगे तो। तो इतना सा केवल यहाँ पे व्यवस्था करके कोई सा भी व्यक्ति एक बैंकिंग का शॉप चला सकता है और उसके बाद अच्छा खासा कमाई भी कर सकता है। लेकिन एक बात आपके लिए बहुत ध्यान देने वाली यहाँ पे है दोस्तों, यहाँ पे जब भी कोई व्यक्ति अपने बैंकिंग एप्लीकेशन की मदद से बिजनेस को स्टार्ट करता है तो शुरुआत के लगभग 1 साल के आसपास में उसकी इनकम बहुत अच्छे से बढ़ती है, उसकी कमाई बहुत ज्यादा होने लगती है, काफी ज्यादा कस्टमर उस पर विश्वास भी करने लगते हैं। ठीक है, देखिए कुछ ऐसा भी होता है कि जिसे मान लेते हैं कुछ अन्य दुकानें हैं वहां पे दोस्तों जब आपको एक्सपीरियंस हो जाता है, काफी लंबे समय तक आपकी शॉप चलती रहती है, तब आपके पास यहाँ पे कस्टमर का एक बैलेंस बन जाता है, तब उनकी शॉप चलती है। लेकिन ये बैंकिंग का जो काम है दोस्तों, जब आप नए से ही स्टार्ट करते हैं तभी आपके पास यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा कस्टमर की भीड़ आना स्टार्ट हो जाती है। शुरुआत के लगभग लगभग 1 से 2 महीनों के बीच में लगभग बहुत कम कस्टमर यहाँ पे आते हैं, लेकिन संभवतः यहां पे 1-2 महीना जैसे ही बीत जाता है उसके पश्चात आपके पास कस्टमर की भीड़ इकट्ठा होना चालू कर देती है। लेकिन अगर आपका बैंकिंग एप्लीकेशन, मतलब एक आप प्राइवेट बैंकिंग एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं जैसे कि स्पाइस मनी या पेनियर बाय एप्लीकेशन है, ठीक है, या कोई सा भी बैंकिंग एप्लीकेशन है जो कि प्राइवेट है, तो ऐसी सिचुएशन में आपका बिजनेस दोस्तों लगभग 1 साल के बाद जितना तेजी से यहां पे चला हुआ था उतना ही तेजी के साथ वहां पे डाउन भी हो जाता है। ठीक है, तो कभी आपने इसको ध्यान दिया है कि ऐसा क्यों होता है? देखिए AEPS संचालकों के लिए, जो भी यहां पे प्राइवेट AEPS संचालक हैं दोस्तों, इनका जो मैक्सिमम देखा जाए तो मैक्सिमम लोगों का जो बिजनेस है वो लगभग 1 से 2 साल के बीच में फ्लॉप होते हुए देखा गया है। ठीक है, जो यहाँ पे आईडी मतलब मिनी ब्रांच ले लिए हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं होती है, वो लोग तो अपना चलाते चले जाते हैं। लेकिन जो यहाँ पे प्राइवेट AEPS संचालक भाई हैं इनका अधिकांश देखा यही गया है कि लगभग 1 से 2 साल के बीच में ही इनकी शॉप बंद हो जाती है, ये अपना AEPS संचालक का काम ही बंद कर देते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, ये एक बहुत टॉपिक की बात है, बहुत काम की बात है। अगर इसको आप लोग अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो इसके बाद ये मान के चलिए कि आप लोगों का ये जो शॉप है बिजनेस का AEPS का, ये आपका 1-2 साल के बीच में बंद नहीं होगा, बल्कि इसको आप लाइफ टाइम तक कभी रन कर सकते हैं। काफी ज्यादा ऐसे AEPS संचालक भाई हैं जो कि लगभग 5-5 साल से 6-6 साल से AEPS का मतलब बैंकिंग एप्लीकेशन की मदद से ये काम कर रहे हैं, अच्छा खासा फायदा भी वो लोग ले रहे हैं। लेकिन लगभग 80% केसेस यही आते हैं कि लगभग 1 से 2 साल के बीच में इनकी शॉप बंद हो जाती है। क्यों बंद हो जाती है दोस्तों? होता यह है कि जब हम नई एप्लीकेशन आईडी लेते हैं, बनवाते हैं, तो लगभग 1-2-3 महीने तक 4 महीने तक 5 महीने तक हमारे बैंकिंग एप्लीकेशन से आसानी से विड्रॉ होता रहता है, किसी भी व्यक्ति का कोई भी पैसा यहां पे फंसता नहीं है। आप 10 रुपए लेते हैं, लोग आप पे ट्रस्ट करके आसानी से दे देते हैं, आप पे विश्वास करते हैं। लेकिन दोस्तों 1 साल के बीच में कभी ना कभी एक ऐसा भी दिन आएगा जिस दिन आपके बैंकिंग एप्लीकेशन में 1-2 अमाउंट आपके फंस जाएंगे। ठीक है, तो यहां पे एक समस्या आ जाती है, अगर किसी भी व्यक्ति का यहां पे अमाउंट फंस गया, बैलेंस विड्रॉ नहीं हो पाया, तो भाई आप उसे बैलेंस देंगे नहीं, उस व्यक्ति के खाते से पैसा तो कट गया है। तो ऐसी सिचुएशन में होता यह है कि आप में और कस्टमर के बीच में असामंजस्य स्थापित हो जाता है। ठीक है, कस्टमर का आप पर से जो विश्वास होता है कहीं ना कहीं वो टूट जाता है। ठीक है, या ऐसा भी होता है कि कभी वो कस्टमर आपके यहां विड्रॉ किया, कहीं जाकर के बैंक में विड्रॉ किया, कहीं जाकर के AEPS अन्य मतलब बैंकिंग एप्लीकेशन के माध्यम से विड्रॉ कर लिया है, तो किसी ने यहां पे 10-20 रुपए के चार्ज के हिसाब से या 100-200 रुपए या 500-1000 रुपए ज्यादा विड्रॉ कर लिया। ठीक है, तो अगर व्यक्ति के मोबाइल पे मैसेज आ जाता है वर्तमान टाइम में तो उसको पता चल जाता है कि ये कहां से ऐसी घटना घटी हुई है। लेकिन अगर वो मैसेज को अनमाइंड करता है, ध्यान नहीं देता है, आप ही के यहां ज्यादातर वो AEPS ट्रांजेक्शन करता है, तो ऐसे में ये मान के चलिए कि उसका 99% ब्लेम आप पर चला आता है, उसका शक जाता है कि हम यहीं से विड्रॉ करते हैं, यहीं से ट्रांजेक्शन करते हैं, इन्हीं के पास यहां पे किसी तरीके का कोई फ्रॉड किया गया होगा।
ठीक है। तो ये दो रीजंस ऐसे होते हैं, एक तो बैलेंस फंस जाने की वजह से कभी कभी ऐसा हो जाता है, एक तो कहीं से उसके खाते से पैसा कट गया है या किसी बीमा का पैसा कट गया है या कहीं अन्य जगह उन्होंने ट्रांजेक्शन किया, उसने ज्यादा पैसा विड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो इस वजह से आपका उसका कस्टमर का जो सामंजस्य होता है वो गड़बड़ हो जाता है, कस्टमर का आप पर से विश्वास उठ जाता है, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है कि वो अपने क्षेत्र में अपने समाज में आपके प्रति काफी ज्यादा विरोधाभास पैदा कर देता है, आपकी जो छवि है उसको वो बिगाड़ देता है। तो सिचुएशन ये आती है कि उसके साथ ही साथ जो अन्य आपके एरिया के कस्टमर आपके पास बिलीव करके आते थे वो भी आपसे कटते चले जाते हैं, ठीक है। तो इस सिचुएशन में समस्या ये आती है कि जहां आपके कस्टमर काफी ज्यादा बने हुए थे वही दोस्तों आपके कस्टमर यहां से कटना चालू कर देते हैं, तो आपके पास काफी ज्यादा कस्टमर कट जाते हैं, तो आपका इनकम धीरे धीरे कम होता चला जाता है। काफी ज्यादा मतलब आपको भी सुनने में आता है या लोगों के मतलब के मुंह से सुनते हैं आपकी, आपके प्रति लोग ये बताते हैं कि वो पैसा ज्यादा निकाल लेते हैं, फ्रॉड का काम करते हैं, पैसा उनके यहां फंस जाता है, इत्यादि इत्यादि तमाम टाइप के केसेस आपको सुनने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये सब ऐसी चीजें हैं जिसको नजरअंदाज करने की वजह से आपका साफ दोस्तों यहां पर प्रभावित तो हो जाता है, आप इसका फायदा नहीं ले पाते हैं। अंत में यह होता है कि एक दो साल के बीच में ही आप अपने शॉप को क्लोज कर देते हैं जब आपको बेनिफिट नहीं हो रहा होता है तब, ठीक है। तो आज आपको यहां पे बताता हूं कि कैसे आप इन सब चीजों को मैनेज करेंगे जिससे कि आपके शॉप की छवि कंटिन्यू बनी रहेगी, कोई भी आप पर ब्लेम दोस्तों नहीं लगा पाएगा, ठीक है। तो देखिए पेनियर बाय एप्लीकेशन या स्पाइस मनी का जो एप्लीकेशन है या जो अन्य एपीएस कंपनियां मार्केट में अवेलेबल हैं वो दोस्तों कंटिन्यू आप लोगों को एक अपडेट देती हैं कि आप अपने ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड मेंटेन कीजिए, लेकिन काफी ज्यादा एपीएस संचालक ऐसे होते हैं जो कि इसको एक फालतू की चीजें समझ करके यहां पे मतलब रिकॉर्ड को मेंटेन नहीं करते हैं, ठीक है। आपने देखा है कि जो भी मिनी ब्रांच वाले हैं दोस्तों वो अपने ट्रांजेक्शन का एक एक ट्रांजेक्शन का चाहे वो 100 रुपए का ही विड्रा क्यों ना हो, ठीक है, या 10,000 का विड्रा क्यों ना हो, सभी का दोस्तों वहां पे रिकॉर्ड वो लोग मेंटेन करते हैं। भविष्य में कभी भी उनके पास या उनके ऊपर कोई ब्लेम इस टाइप का लगाता है तो वो अपना रिकॉर्ड वहां पे दिखाने का दावा करते हैं जिससे कि लोगों को संतुष्ट कर सकते हैं, ठीक है, लोगों को संतुष्ट कर देते हैं कि नहीं हमने किसी टाइप का कोई यहाँ पे इनके साथ फ्रॉड नहीं किया है, जितना इन्होंने किया हुआ था कहा था उतना ही हमने यहाँ पे इनका विड्रॉ किया हुआ था, हमारे पास इनका रिकॉर्ड मौजूद है, इनका सिग्नेचर डेट उसके बाद अमाउंट सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। तो यही चीज आपको भी दोस्तों यहां पे करना है। आप यहां पे देख सकते हैं कि पेनियर बाय एप्लीकेशन की तरफ से इसी को लेकर के एक गाइडलाइन भी यहां पे जारी किया गया है जिसके थ्रू आपको यहां पे बताया गया है कि एपीएस ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड आप लोगों के लिए रखना काफी ज्यादा आवश्यक है। हमारी तरफ से कोई दबाव यहां पे नहीं है कि आप यहां पे इसका रिकॉर्ड रखिए, मतलब ये कौन कह रहा है, पेनियर बाय कह रहा है, ठीक है ना, ये कह रहा है कि हमारे तरफ से कोई दबाव आप पर नहीं है, लेकिन विवादों से बचने के लिए या अपने शॉप को फ्यूचर में काफी ग्रोथ करने के लिए ये काम आपको कर लेना चाहिए, ठीक है। इन्होंने कहा है कि जब आप अपना मतलब बैंकिंग का शॉप करते हैं चलाते हैं तो वहां पे आपको दिनांक और समय को भी नोट कर लेना चाहिए, ग्राहक का नंबर आपको नोट कर लेना चाहिए, ग्राहक का नाम नोट कर लेना चाहिए, और उसके बाद एक विशेष मैंडेटरी चीज यह है कि ग्राहक का हस्ताक्षर आप अवश्य करवा लें, ठीक है ना, क्योंकि वही तो प्रूफ होता है ना, ये पता चलता है कि ग्राहक की सहमति से ये बैलेंस विड्रॉ किया गया था और जितना हमने विड्रॉ किया हुआ था उसी पे इस ग्राहक ने साइन भी किया हुआ है, मतलब ये ट्रांजेक्शन बिल्कुल फिट है, कोई इसमें धांधली या कोई गड़बड़ी नहीं हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहां पर कहा है ट्रांजेक्शन अमाउंट को भी यहां पर नोट कर लीजिए। उसके बाद इनका कहना यह है कि आप उनसे एक गवर्नमेंटेड पहचान पत्र की रिसिप्ट भी ले लीजिए, मतलब आधार कार्ड से विड्रॉ आपने किया है तो आधार कार्ड की रिसीप्ट भी अपने पास एक प्रति रख लीजिए। हालांकि ये तो पॉसिबल नहीं है, काफी दिक्कत है, लेकिन हाँ ये किया जा सकता है कि आप अपने रजिस्टर में जो इनके आधार नंबर है उसे आप लोग नोट कर सकते हैं, वो आपको काफी ज्यादा फायदा पहुंचाएगा, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं दोस्तों जो कि आपको अपने शॉप को मेंटेन बनाए रखने के लिए विश्वसनीय या अपने शॉप की छवि को मेंटेन करने के लिए ये आपको रिकॉर्ड तो रखना ही चाहिए जिससे कि आप कभी भी अपने विवादों से बच सकेंगे, कोई भी आप पर ब्लेम नहीं लगा पाएगा, आपकी भी शॉप दोस्तों यहाँ पे कंटिन्यूअस चलती रहेगी, एक दो सालों के बाद ये फ्लॉप या बंद होने के चांसेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। नहीं तो मैंने आपको जैसा बताया कि लगभग लगभग एपीएस का जो आईडी है वो तो सस्ते में मिल जाती है, सभी लोग
लेकर के इस बिजनेस को स्टार्ट भी कर देते हैं, लेकिन समस्या वही आती है कि एक दो साल के अंदर ही लगभग लगभग शॉप पे ताला लग जाता है, शॉप इनकी बंद हो जाती है, इनका जो शॉप है वो नुकसान में जाने लगती है। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पे मेंटेन बनाए रखना है, फ्यूचर में भी आपको सही तरीके से चलाना है, तो जो यहाँ पे गाइडलाइन आती है कि इन सब चीजों का रिकॉर्ड आप बनाए रखिए, तो कोशिश ये कीजिए कि आप इन सब का रिकॉर्ड बनाने की कोशिश कीजिए ताकि कोई भी दिक्कत आप पे ना आए। तो उम्मीद करते हैं कि ये अपडेट आप लोगों के लिए काफी ज्यादा काम की लगी होगी। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।